देखिए ये हमारा विद्यालय जो कि जमुई ज़िले के अंतर्गत आते हैं, सारे शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अफसोस कि विद्यालय का ताला खुलता ही नहीं है। यहाँ की शिक्षा विभाग जो सुस्त पड़ी है या उनकी लापरवाही, ये तो वही जाने। अगर इनकी लापरवाही है तो सरासर हम लोगों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ ये गलत हो रहा है और अन्याय हो रहा है। इसके खिलाफ़ अभी तक कोई भी उचित आदेश नहीं आया है और ना ही कोई निर्णय लिया गया है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? लोग कब तक ऐसे ही आके बरामदे पर बैठे रहेंगे? शिक्षक हों या बच्चे हों, आके यूं ही चले जाएंगे? सौ समय आना और जाना, ये कब तक? अगर विद्यालय एक दिन बंद हो जाता है तो लोगों में अफरा तफरी मर जाती है, या तो जिला विभाग हो या तो फिर शिक्षा विभाग हो। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे जमुई प्रखंड के, जमुई जिला के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय हारला में जो है, आज 30 तारीख से लेकर 30 अप्रैल से लेकर के आज दिनांक 7 मई 2024 तक विद्यालय का ताला नहीं खुला है। आखिर क्या कर रहे शिक्षा विभाग? क्यों इतनी लापरवाह है? क्यों इतनी सुस्त है? मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ के सारे बच्चे यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों इतनी सुस्त है, क्यों नहीं उचित कार्रवाई किया जा रहा है, कोई नहीं क्यों नहीं उचित दिशा निर्देश दिया जा रहा है। आप सभी से यही मेरा निवेदन है, ये वीडियो जितना हो सके इसको फैलाइए और इस विद्यालय के बच्चों को, भविष्य को बनाने के लिए आप लोग अग्रसर हों और इसे सहयोग करें। धन्यवाद सर। ये वजह किसी को पता है नहीं और अचानक प्रधानाध्यापक उसको आना बंद किए हैं और विगत ये 30 अप्रैल से ही विद्यालय बंद है और आज 6 मई है और किसी को सूचना भी नहीं है और ना ही उनसे सूचना हो पा रही है, उनकी हम लोग संपर्क बना पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्टाफ या कोई भी अधिकारी फोन लगाते हैं, फोन उठाते ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, कम से कम फोन भी उठाए तो लोग उनसे बात करके जानकारी ले सकते हैं कि बात क्या है, आप विद्यालय नहीं आ रहे, ठीक है आप नहीं आइए, कम से कम विद्यालय का साबित दिलवाते हैं किसी के द्वारा है, लेकिन वो भी नहीं है, उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रही, सबसे बड़ी बात है। और इसके वजह से हम लोग विद्यालय में आ करके भी ऐसे ग्राम पर बैठे रहते हैं और बच्चे को इस तरह से पढ़ाई करवाते रहते हैं। तो ये कब से ऐसा हो रहा है? ये 30 अप्रैल 2024 से लेकर और आज तक, जी आज का तारीख 6 मई 2024। विभाग को, मैं सरिता कुमारी विभाग को सूचित किया, जी मैंने विभाग को सूचना दिया है, आवेदन भी दे चुकी हूँ, इसके लिए हम सब मिलकर के दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका आदेश आया नहीं है, नहीं कुछ उचित दिशा निर्देश दिया गया कि हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को हाजिरी तक नहीं बन रहा है, नहीं बच्चे की बन रही है, इसके लिए क्या करें? किन्हीं को प्रभार भी नहीं दिया, नहीं दिया गया है किन्हीं को भी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सरिता कुमारी है। क्या है पूरा मामला? आपके बच्चे बरामदे में जमीन पर बैठे हैं और क्लास में ताला लगा हुआ है, ऑफिस में भी ताला लगा हुआ है। जी सर, यह विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरला है, यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री चमकलाल पासवान जी बिना सूचना के 30/4/2024 से आज 6/5/2024 तक अनुपस्थित और ना ही विद्यालय खुला हुआ है, जबकि सारे शिक्षक शिक्षिका विद्यालय आते हैं, बच्चे भी आते हैं और बरामदे पर बैठ के पढ़ के वापस चले जाते हैं, ना ही तो शिक्षकों की हाजिरी बनती है और ना ही बच्चों की हाजिरी बन रही है विद्यालय बंद रहने के कारण से। हम लोग इसकी सूचना लिखित रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिए हुए हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब भी अभी तक नहीं आया हुआ है, जबकि आज मध्याह्न भोजन साधन से भी संतोष कुमार जी आए थे और वो भी रिपोर्ट लिख के चले गए, लेकिन उन्होंने भी ताला खुलवाने का कोई प्रयास नहीं किया। ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे जो इस स्कूल से पास आउट कर चुके हैं, जिनको आगे मैंने दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेना है, वो TC के लिए भी लौट के जा रहे हैं, क्या है सर? 2 दिन तक TC कटा था, 19 बच्चे का TC कटा है और कुछ बच्चे जो है जो कि TC नहीं लिए थे उस दिन नहीं ले पाए और प्रधानाध्यापक के नहीं आने की वजह से वो बराबर आ रहे हैं और घूम के वापस चले जा रहे हैं, उसको TC नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों के पास तो कुछ दे के गए नहीं, ना ही प्रभार सौंप के गए, जो कि कोई भी शिक्षक उसको चार्ज TC काट के निर्गत करके देते। क्या नाम है आपको? मैं कुंतन सिंह, यूनेस हरला।